अत्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। कानपुर में शिव मंदिर के चबूतरे पर बैठकर बिरयानी बेचने का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल कानपुर के थाना बजरिया मोहल्ला बेकनगंज में एक पुराना शिव मंदिर था जिसका एक भाग ढह गया, जिसके बाद यहां के समुदाय विशेष के लोगों ने कथित तौर पर मंदिर पर कब्जा कर लिया और वहां मांसाहारी बिरयानी बेचने का धंधा करने लगे। आरोप ये भी है कि जब कुछ पत्रकार इस मामले को रिपोर्ट करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे तो उनके साथ भी स्थानीय लोगों ने बदतमीजी की और न्यूज कवर करने से रोक दिया, जिसके बाद इस मामले को लेकर कुछ लोग मेयर प्रमिला पांडे के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी होने पर मेयर प्रमिला पांडे ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग करते हुए बिरयानी की दुकान हटाने के निर्देश दिए। कुछ दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा कि बेकनगंज में एक हमारा प्राचीन मंदिर था वो गिर गया। मैं वहां जाकर के जब देखा तो हमें ऐसा नहीं लगा कि मंदिर अपने मन से गिरा, लेकिन मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो लोगों ने जो असलियत थी वो मुझको बताया, साथ में बगल में जाकर के थोड़े कदम दूर पर एक मंदिर और था वहाँ दिखाया जहाँ बिरयानी पक रही थी, जो मैंने देखा, जो मैंने उस पर रिकॉर्डिंग करी और फोटो खिंचा। वहीं के लोगों ने फिर हमको बताया सामने एक मंदिर और है, मैं वहाँ गई। वो मंदिर कुछ लोगों ने कहा पंडित जी आते हैं, लेकिन जब ताला टूटा तो उस पूरे मंदिर के अंदर कूड़े भरे थे, पीछे मंदिर खड़ा पड़ा था। जितने हमारे ऐसे मंदिर होंगे उन्हें चिन्हित करके हम उनका जीर्णोद्धार कराएंगे। बस यही मुझे कहना है कि जो वहाँ रहते थे आसपास वाले वो लोग खुद हमको सारी बातें बताई कि किस तरीके से हुआ, क्या मुझे सारी जानकारी हुई। फिर मैं वहाँ सिर्फ अपने प्राचीन मंदिर को देखने ही गई थी, अब देख करके मैं आ गई हूँ, आगे मैं पूरी जांच करके इसकी प्रति। कानपुर डीसीपी की माने तो इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है और मौके पर पड़े बिरयानी के बर्तन हटवा दिए गए हैं। अब आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में बेकनगंज के रहने वाले मोहम्मद सिराज, मोहम्मद नूर आलम और मोहम्मद फरीद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना बजरिया के मोहल्ला बेकनगंज में सुनार वाली गली में एक प्राचीन शिव मंदिर के चबूतरे पर मांसाहार बिरयानी बेचने के संबंध में एक अभियोग थाना बजरिया पर पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 3 लोगों को नामजद करवाया गया है। मौके पर पड़े हुए बर्तन हटवा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस इलाके में कई प्राचीन मंदिर थे, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर मंदिरों को गायब कर दिया है। मेयर ने भी अपने दौरे के दौरान कई मंदिरों को जर्जर हालत में पाया, कहीं कहीं तो मंदिर के दरवाजों पर बाहर से ताला लगा मिला, लेकिन अंदर कूड़े करकट भरे मिले और मंदिर के कई हिस्सों को तोड़कर लोग उसे इस्तेमाल भी करते मिले। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।